स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम्स और मार्केट स्ट्रक्चर का सही यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी सही टाइम फ्रेम पर एनालिसिस को करना और सही टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जिट को प्लान करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बक्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, यानी मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है और कौन से बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं जिसमें हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। सब कुछ विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि एक बिगनर को भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। टाइम फ्रेम्स आपको मार्केट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, यानी जब आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके मार्केट को देखते हो तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होती है कि मार्केट में आके चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो तो इसमें जो सिंगल कैंडल है, हर एक कैंडल हमें एक घंटे का डेटा दे रही है कि उस एक घंटे में प्राइस ने कितनी मूवमेंट करी। जैसे हम इस वाली ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो प्राइस कहीं 390 के अराउंड था और यहाँ से बढ़ता बढ़ता प्राइस 410 पे पहुंच गया, वो भी सिर्फ एक घंटे के अंदर। तो ये हमें एक घंटे का डेटा दे रही है कि एक घंटे में प्राइस कितना मूव हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैंडल पे जाते हो तो वहां पे वो टाइम दिखाएगा कि ये कैंडल जो है वो किस टाइम की है। जैसे ये कैंडल जो है वो 9:15 की है, इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी वो 10:15 की बनी, मतलब एक घंटे की एक कैंडल है। उसके बाद तीसरी कैंडल जो बनी वो 11:15 की बनी, राइट। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी कैंडल है वो हमें एक पूरे दिन का डेटा दे रही है कि पूरे दिन में प्राइस ने कितना मूव करा, राइट। अब देखो, जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा, यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, उतनी ज्यादा ट्रेड के चलने के चांसेस होंगे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे किसी ट्रेड को प्लान कर रहे हो तो उसके चलने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 5 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेड के। इसीलिए हम स्विंग ट्रेडिंग में लोअर टाइम फ्रेम्स पे फोकस नहीं करते। देखो, अब आप पूछोगे हायर टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी ज्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम, राइट। तो देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे कभी जाओगे तो वहां पे नॉइस बहुत ज्यादा होती है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन के चांसेस, जिसकी वजह से फॉल्स मूव्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे आते रहोगे उतनी नॉइस क्लियर होते रहेगी, उतना चार्ट आपके सामने क्लियरली विजिबल होता रहेगा, उतना क्लीन चार्ट आपके सामने होगा, आपको दिख रहा होगा कि प्राइस अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद प्राइस क्या कर सकता है, राइट। जिसमें आप 80-90% सही होगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे नॉइस बहुत कम है। और स्विंग ट्रेडिंग में इसको यूज करने का मेजर रीजन ये भी है कि आप 1 से 2 हफ्ते के लिए इसे होल्ड कर रहे हो तो आप शॉर्ट टाइम के प्राइस मूवमेंट्स पे फोकस नहीं करोगे। आपको एक क्लियर चार्ट चाहिए कि बड़े चार्ट में इसमें हो क्या रहा है, तभी आप उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान कर सकते हो, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ 2 टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो होते हैं डेली और वीकली। इन्हीं दोनों टाइम फ्रेम पे हम अपनी एनालिसिस को प्लान करते हैं, इन्हीं दोनों टाइम फ्रेम पे हम अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को प्लान कर रहे हैं और हमें क्लियर पिक्चर दिखाई देती है कि चार्ट में आखिर चल क्या रहा है। इसीलिए इसको नोट करके रख लो, सिर्फ डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर ही हम अपनी एनालिसिस को करने वाले हैं, राइट। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हम हायर टाइम फ्रेम को ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाई देती है कि ओवरऑल स्टॉक में चल क्या रहा है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एनटीपीसी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ को रैली कर रहा है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ को जा रहा है, राइट। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम उसे बोल रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ को जाते हुए दिख रहा है। अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा है, राइट। यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे की तरफ को गिर रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो हमें क्लियर पिक्चर कौन दे रहा है कि स्टॉक आखिर कर क्या रहा है, क्लियर पिक्चर हमें देगा हायर टाइम फ्रेम। क्यों देगा, ये तो देखो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीजें चल रही हैं, मतलब ये कुल मिला के डेटा जो है वो 3-4 दिन का डेटा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके पूरे 1 साल के प्राइस मूवमेंट्स को देखते हैं, वो हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर देगी। ऑब्वियस सी बात है, हायर टाइम फ्रेम हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर देगा, इसीलिए हम स्विंग ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, ताकि हमें छोटी मोटी जो नीचे की तरफ को नॉइज हो रही है हम उसको अवॉइड कर सके। अब आप कहोगे, ठीक है सर, हमने हायर टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करें या वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री करें। देखो, इसका सिंपल सा जवाब है,
जिस टाइम फ्रेम पे तुम अपनी एनालिसिस को करोगे उसी टाइम फ्रेम पे तुम एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे। मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा सेटअप बन रहा है, तो तुम डेली टाइम फ्रेम पे ही एंट्री एग्जिट को प्लान करोगे, राइट? ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो मार्केट में। जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, उसको आप डायरेक्ट मार्केट में करना शुरू करो और आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो हमने टाइम फ्रेम्स में क्या सीखा? पहले तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस करनी है, और जिस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगी उसी टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री एग्जिट को प्लान करना है, राइट? चलो अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, मतलब हर एक कैंडल जो है वो 1 वीक की कैंडल है। 1 वीक का डेटा बता रही है कि एक हफ्ते में प्राइस ने क्या चीज करी है। प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे साइडवेज हो गया, उसके बाद प्राइस ने दोबारा से ऊपर की तरफ को रैली दी। कितना ज्यादा क्लियर पिक्चर है, कितना ज्यादा क्लीन चार्ट है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अब देखो जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा नॉइज बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा चार्ट खराब होता जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है हमें पता चल रहा है प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ को जा रहा है, लेकिन कैंडल्स देखोगे तो कैंडल्स में मोमेंटम नहीं है, मतलब वीक बाइंग हो रही है। अब हम 15 मिनट पे जाते हैं, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ऐसे भाग रहा था, लेकिन हम जितना नीचे आते जा रहे हैं प्राइस उतना ज्यादा नीचे की तरफ को जाते जा रहे हैं, राइट? अब अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें पता चलता है प्राइस जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा है, ठीक है? तो ये होती है नॉइज, इसको हमें अवॉइड करना है। तो आई होप आपको टाइम फ्रेम्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट मूव कैसे करता है। देखो मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जब प्राइस जो होता है वो हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ को जाता है। हायर हाई हायर लोस क्या होते हैं, मतलब देखो जैसे प्राइस अगर ऊपर गया, प्राइस ने एक लो बनाया, यहाँ पे प्राइस का लो है, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे गिरा, प्राइस ने एक हाई बना दिया, मतलब ये प्राइस का हाई है, इससे ऊपर प्राइस नहीं गया, राइट? अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से ही दोबारा बाइंग आ जाती है और प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है? अब मतलब प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, एक नया लो बना दिया। नए लो को हम क्या कहते हैं, हायर लो, मतलब ये लो जो है ये प्रीवियस लो से ऊपर है, हायर है। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को, जो ये वाला हाई था प्राइस का, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, यानी कि एक नया हाई प्राइस ने बना दिया और ये जो नया हाई है ये प्रीवियस हाई के ऊपर है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हायर हाई। तो यही जब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है मार्केट में, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। मतलब मार्केट जो है वो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है? इसका एग्जांपल हमारे सामने है, ये सनफार्मा का चार्ट है। सनफार्मा के चार्ट ने क्या करा, पहले प्राइस ने एक लो बनाया, उसके बाद प्राइस ऊपर आया और प्राइस ने एक हाई का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक नया लो बनाया जो प्रीवियस लो से ऊपर था, फिर प्राइस यहाँ से गया और प्राइस ने एक नया हाई बना दिया। मतलब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे प्राइस ने फिर से दोबारा लो बनाया, एक नया, फिर नया हाई बना दिया जिसको हम हायर हाई कहेंगे। अब प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है और यहाँ पे एक नए लो का फॉर्मेशन करेगा और दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ को जाएगा, ठीक है? तो ये होता है अप ट्रेंड। मतलब मार्केट जो है वो कभी भी सीधा मूव ऐसे मूव नहीं करता, मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करता है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके जाता है जब वो एक अप ट्रेंड में होता है। सेकेंड टाइप का ट्रेंड जो हमारा होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब जब प्राइस लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ को गिरता है, मतलब प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा और एक लोअर हाई का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब ये वाला जो हाई है ये प्रीवियस हाई के नीचे है, ठीक है? लेकिन प्राइस जो है वो अपने लो को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, जैसे ये इसका प्रीवियस लो था, इसको प्राइस ने ब्रेक करके एक नया लो बना दिया जिसको हम लोअर लो कहेंगे, उसके बाद प्राइस ने दोबारा से इसको ब्रेक करा और एक नया लो बना दिया जिसको हम फिर से लोअर लो कहेंगे। तो अभी हमारे सामने क्या चीज क्लियर हो रही है कि प्राइस लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ को जा रहा है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे जा रहा है। अब इसके चार्ट को ध्यान से देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक हाई बनाया और प्राइस ने कभी उस हाई को ब्रेक कर ही नहीं पाया, एक नया हाई प्राइस ने बना दिया जिसको हम लोअर हाई कहेंगे क्योंकि ये इस हाई से नीचे है, राइट? उसके बाद प्राइस ने एक लो बनाया, उसको प्राइस ने ब्रेक करा और प्राइस ने एक नया लो बना दिया जिसको हम लोअर लो कहेंगे,
जो इस लो के नीचे है। तो प्राइस कैसे मूव कर रहा है? प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर करके प्राइस मूव कर रहा है। मतलब प्राइस क्या है? प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मार्केट स्ट्रक्चर का ही पूरा गेम है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो तुम्हें पूरी साइकोलॉजी बता देगा बायर्स और सेलर्स की, कि बायर्स और सेलर्स मार्केट में कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, जितनी बार भी मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स जो है उसे बेचना शुरू कर दे रहे हैं और नीचे गिरा दे रहे हैं। तीसरा टाइप ऑफ ट्रेंड हमारा होता है साइडवेज ट्रेंड। मतलब मार्केट ना हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ना लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट एक रेंज के अंदर चला गया है और मार्केट उसी के अंदर, एक डब्बे के अंदर या फिर एक रेक्टेंगल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं मार्केट अभी साइडवेज हो चुका है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वरुण बेवरेजेस के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो प्राइस जो है वो एक बॉक्स के अंदर चल रहा है। मतलब प्राइस ना हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, ना लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, साइडवेज हो चुका है प्राइस। देखो साइडवेज मार्केट में हम यूजुअली ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन जब साइडवेज मार्केट को तोड़ के मार्केट बाहर निकलता है, तब हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। आगे पूरी सीरीज में हम इन सारी चीजों को सीखेंगे, किस तरीके से रेंज मार्केट को ट्रेड करा जाता है। अगर हम और एग्जांपल्स देखते हैं, ये हमारे सामने अदानी ग्रीन का चार्ट है। अब आप मुझे बताओ कि इस चार्ट का ट्रेंड अभी क्या है। देखो इस चार्ट का ट्रेंड हमसे क्या कह रहा है कि प्राइस जो है वो अभी एक साइडवेज रेंज के अंदर है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एग्जांपल्स को देखो और खुद भी प्रैक्टिस करना इस चीज को कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर को समझ गए तो बायर सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ गए। ये चीज समझो, टेक महिंद्रा की वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे क्या हो रहा है। प्राइस ने देखो एक लो का फॉर्मेशन करा, फिर प्राइस ने एक नया हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं करा, एक नया लो बनाया जिसको हम हायर लो कहेंगे। उसके बाद प्राइस ने एक रैली दी, एक हायर हाई का फॉर्मेशन करा, यानी प्रीवियस हाई को अपने ब्रेक कर दिया और एक हायर हाई का फॉर्मेशन करा। अब प्राइस नीचे आया और प्राइस ने फिर से एक हायर लो का फॉर्मेशन करा, यानी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, उससे ऊपर एक नए हायर लो का फॉर्मेशन करा। अब प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ को गया और एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि प्रीवियस हाई को अपने ब्रेक कर दिया। तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये है हमारा अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को जा रहा है। अब देखो वही अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे ना इसके, तो आपको पता चलेगा मार्केट अभी के टाइम पे क्या कर रहा है। मार्केट अभी के टाइम पे एक साइडवेज रेंज के अंदर है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड प्लान करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रेंज में है। तो अब हम ट्रेड प्लान कब करेंगे? जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या फिर जब इस रेंज को तोड़ के मार्केट बाहर निकलेगा। अब देखो सेम चीज जो मैंने टाइम फ्रेम के लिए बोली थी, वही मैं ट्रेंड के लिए भी बोल रहा हूँ। जितने बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेंड होगा। यानी वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हमने क्या देखा, मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में। असली ट्रेंड मार्केट का जो है वो आपको बड़ा टाइम फ्रेम ही बताएगा। ये तो हमने समझ लिया ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो अगर तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग में बड़े टारगेट्स प्लान करने हैं ना, तो हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना, ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर चार्ट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम ऊपर के ही मूव कैप्चर करेंगे उसमें, मतलब हम इसमें ऊपर के ट्रेड ही प्लान करेंगे, हम इसमें नीचे का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे और नीचे की तरफ का ही ट्रेड ढूंढेंगे, उसमें हम ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का फायदा क्या होता है? अब देखो इससे हमें ये फायदा होगा कि हम बड़े प्लेयर्स के साथ पोजीशंस को बनाएंगे और उन्हीं के साथ एग्जिट कर देंगे। देखो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ये चार्ट को कौन बनाता है? ये चार्ट को बनाने वाले हैं बड़े प्लेयर्स, राइट? उनके हिसाब से मार्केट चल रही है, वो अपने हिसाब से पैसा डाल रहे हैं, वो अपने हिसाब से पैसा निकाल रहे हैं। कंपनी अच्छा करती है तो वो अंधा पैसा उसमें डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कंपनी बुरा करती है तो वो उसे गिराने के लिए, उसे बेचने के लिए भी वही तैयार रहते हैं, राइट? तो बड़े प्लेयर्स का पूरा गेम चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी इनके साथ अगर बाइंग करना शुरू कर दें, तो हाई चांसेस नहीं है कि हम अगर इनसे कभी पहले घुस गए तो हम बड़ा मूव कैप्चर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने एंट्री करी होती, यहाँ पे हमने एंट्री करी होती, तो यहाँ से हमें 15-20% का मूव मिला है, हमारी बाइंग 1-2 लाख की बाइंग से इतना बड़ा मूव नहीं आएगा। यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर घुसा है जिसने इतनी बड़ी बाइंग करी है, ठीक है?
तो हमने क्या करा, हमने बस प्रीवियस ट्रेंड देखा कि ऊपर की तरफ को मार्केट जा रहा है, हमने उसी ट्रेंड में अपने ट्रेड को प्लान करा और हमने बड़े प्लेयर्स के साथ ही अपनी पोजीशंस को बनाई। बड़े प्लेयर्स ने भी वहां पे ऊपर की तरफ को प्लान करा, जिसकी वजह से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा। ये फायदा होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का। देखो, अगर कहीं पे तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो, बड़ा प्लेयर जो है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है लेकिन तुम नीचे की तरफ को ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो भाई वो बाइंग कर रहा है 1000 करोड़ की और तुम बाई कर रहे हो, चलो 1 लाख रुपए की तुमने बाइंग कर ली। अब तुम्हें क्या लगता है, अगर उसने यहाँ पे 1000 करोड़ की बाइंग करी तो प्राइस तुम्हारे नीचे जाएगा? नहीं जाएगा ना, इतना तेजी से ऊपर जाएगा प्राइस। तुमने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो तुम्हें अपने पैसे निकालने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो अपनी एक्यूरेसी तो वहीं पे खराब हो गई, राइट? जैसे अगर हमने यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर घुस गया 1000 करोड़ के साथ, तो यहाँ से बाइंग आएगी खतरनाक वाली, जिसमें हम बढ़िया प्रॉफिट बना के अपना निकल जाएंगे। देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है हमने वो चीज सीख ली है। अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। देखो, जो ऐसे क्लीन चार्ट्स हैं जिसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे सामने साफ साफ क्लियर है, उसमें हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। लेकिन कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें हमें ट्रेड्स को प्लान नहीं करना है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो, ऐसे चार्ट्स पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है जहां पे कैंडल्स जो है वो इतनी बड़ी विक के साथ बन रही है, मतलब जो विक है कैंडल्स की वो बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स मूव्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब प्राइस जो है, जैसे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा और दोबारा से नीचे की तरफ को फॉल कर गया, राइट? यानी यहाँ पे फॉल्स मूव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इन चार्ट्स को हमें अवॉइड करना है। अब देखो, आपके सामने दो चार्ट विजिबल है, इसमें से आपको कौन सा क्लियर चार्ट दिख रहा है जिसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हो? अगर आप पहले चार्ट की बात करते हो तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स बहुत ज्यादा बन रही है, मतलब कि यहाँ पे फॉल्स मूव्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पे सारे बायर्स घुसे और प्राइस नीचे की तरफ को फॉल कर गया। दोबारा प्राइस ने सेम चीज करी, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस यहाँ पे दोबारा बायर्स घुसे, यहाँ से नीचे की तरफ को फॉल कर गया। तो हमें किन चार्ट्स को अवॉइड करना है? हमें उन चार्ट्स को अवॉइड करना है जो हमें क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहे हैं। वही अगर सेकंड चार्ट को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है प्राइस ठीक है, एक हायर आई हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा था, उसके बाद प्राइस ने लोअर आई लोअर लो का फॉर्मेशन करके नीचे आना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा क्लियर चार्ट है, आराम से कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा भी इसे समझ जाएगा कि यहाँ इसमें चल क्या रहा है। यहाँ पे समझना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे विक वाली कैंडल्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो कितनी कम है, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल, ठीक है? 5 कैंडल यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर दूसरी कैंडल वो वाली कैंडल बन रही है, रिजेक्शन कैंडल, राइट? तो हम इस वाले चार्ट को हमें अवॉइड करना है। हमें चाहिए कि हमें फुल बॉडी कैंडल्स मिल रही है जो कि हमें बता रही है कि यहाँ पे एक तो लिक्विडिटी अच्छी है, यानी बायर्स और सेलर्स काफी अच्छे हैं यहाँ पे, तो हमें बेचने और खरीदने में दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा यहाँ पे मैनिपुलेशन कम है, राइट? अब देखो इस चार्ट को ध्यान से देखो, हमें ऐसे चार्ट्स को अवॉइड करना है। देखो यहाँ पे कैंडल्स ही पूरी नहीं बन रखी है, इन चार्ट्स पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है? ऐसे चार्ट्स को हमें देखना ही नहीं है जिनमें ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, ऐसे चार्ट्स को हमें देखना ही नहीं है जिसमें कैंडल्स ही ढंग से नहीं बन रही है, या तो वो अपर सर्किट पे खुल रहे हैं या फिर वो लोअर सर्किट पे खुल रहे हैं। मतलब मानो अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी, प्राइस आपके फेवर में थोड़ा सा गया, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ को फॉल कर गया, आप यहाँ पे अगर एंटर कर भी जाते हो तो आप यहाँ पे बेच ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही नहीं होंगे, खरीदने वाले ही नहीं होगा, तो आप बेचोगे कैसे, राइट? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इन वाले स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, इसलिए सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में हमें ट्रेड प्लान करना है जिसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें बायर्स और सेलर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड प्लान करना है जो या तो निफ्टी 50 में है या फिर निफ्टी 100 में। स्टार्टिंग में सिर्फ आप निफ्टी 50 से निफ्टी 100 में जाओगे और उसके बाद जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप निफ्टी 500 भी देख सकते हो। मैं जो करता हूँ, मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ निफ्टी 500 के स्टॉक्स में। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 की वॉचलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं आपको धन प्रेफर करूंगा क्योंकि धन में आप आराम से वॉचलिस्ट क्रिएट कर सकते हो और उनमें आप अपनी एनालिसिस को प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो हमने ये देख लिया, ऐसे चार्ट्स को हमें अवॉइड करना है, और इसके साथ ही हमें पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, जो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं जो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, उन स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है, राइट? अब देखो आपके सामने एक चार्ट विजिबल है, अब आप मुझे बताओ क्या आप इस चार्ट पे अपने ट्रेड को प्लान करोगे? देखो मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को चार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है,
ठीक है, मैं इसमें ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ अब, ठीक है। इसमें क्या आप अपना ट्रेड प्लान करोगे? नहीं भाई, इसमें मैं अपना ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? बजाज फाइनेंस। इसमें आप अपना ट्रेड प्लान करोगे? इसमें देखो, जो भी चार्ट पे हो रहा है वो क्लियरली विजिबल है, तो हम आराम से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं चार्ट में, कि जो किसी को भी ना मिल रही हो, जिसकी वजह से हमें लॉसेज होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें ढूंढो जो सिर्फ 8 साल के बच्चे को भी दिखाई दे जाए कि हाँ भाई क्या चीज़ चल रही है चार्ट में, तुम खुद ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। अब देखो नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो कितना क्लियर चार्ट है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, प्राइस एक साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद प्राइस ने दोबारा इसे तोड़ा और प्राइस ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। कितना क्लियर चार्ट है, सब कुछ सामने क्लियरली दिख रहा है, राइट। ऐसे चार्ट्स को हमें ट्रेड करना है, और जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था पीछे, उन पेनी स्टॉक्स के चार्ट को हमें अवॉइड करना है। इस चीज़ को नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधे लोग सिर्फ इसी के वजह से लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पेनी स्टॉक्स में अगर वो घुसेंगे तो उनका पैसा सीधे डबल हो जाएगा। भाई इतने ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है ना पेनी स्टॉक्स में, तुम्हारी आधी प्रोबेबिलिटी तो वहीं पर गिर जाएगी। चलो इस वीडियो में बस इतना ही, अब रैपअप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। बाकी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने हमारी मास्टरिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सीरीज नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।